तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अच्छी अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम होली और जो पीएम किसान योजना की अगले किस्त चुनाव से पहले प्राप्त करना चाहते थे उसको लेकर साफ साफ यहां पर अपडेट आया है। उसके बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि होली पर किस्त आएगी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि चुनाव के पहले पहले किस्त आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अमर उजाला ने आज एक साफ साफ आर्टिकल लिखा है जिसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएम किसान योजना सरकार इस दिन जारी कर सकती है 17वीं किस्त। लाभ पाने के लिए किसान तुरंत करे ये काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 मार्च यानी होली के दिन का ये आर्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीएम किसान योजना को लेकर एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप होली पर किस्त प्राप्त करना चाहते थे या फिर चुनाव से पहले किस्त प्राप्त करना चाहते थे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी आर्टिकल है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो अमर उजाला ने लिखा है, देश भर में करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आप देख सकते हैं, हाल में पीएम किसान योजना की 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 16वीं किस्त भी जारी हो चुकी है। और अब आपको पता है कि 17वीं किस्त का इंतजार है, और 17वीं किस्त को लेकर किसान ये कयास लगा रहे थे कि होली पर किस्त आ सकती है या चुनाव पर किस्त आ सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले अगर किस्त जारी होती है तो मोदी सरकार को कुछ फायदा होगा, इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि 17वीं किस्त कब आएगी, वो इंतजार कब तक करना होगा किसानों को, आइए जानते हैं। अब पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त को लेकर यह भी एक बड़ा अपडेट है। देश भर में कई किसान गलत ढंग से पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने योजना में केवाईसी और भूलेख सत्यापन अनिवार्य किया है। और अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अगर आप 17वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द पीएम किसान की केवाईसी और भूलेख सत्यापन करवाना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किस्त के पैसों के ट्रांसफर करने को लेकर कोई किसी भी प्रकार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, ये अपडेट है। लेकिन जो किस्त है वो जून या जुलाई में आ सकती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था 2022 में 23 में हुआ था, उसी प्रकार 2024 में है वो जुलाई में किस्त आने की पूरी संभावनाएं हैं। हो सकता है जून में भी आ सकती है, लेकिन ये जून और जुलाई वाली किस्त है लगभग इसी समय से आएगी, लेकिन ना तो ये होली पर आएगी ना ही चुनाव से पहले आएगी। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखें, और अभी अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी बने हैं तो ये सभी जानकारी केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार, बैंक सीडिंग ये जरूर पूरी करवा लें। धन्यवाद किसान मित्रों।